कि बेटे बड़े होंगे साबित करना कि तुम्हारी जान बचाने लायक थी। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं चेक करो, जिंदा होना अब बच के रहोगा, बचने के लिए डूबना जरूर नहीं होता। हर रोज सुबह जो तुम्हें उठाती है ना, और आपको पता चलता है आप परमपिता परमेश्वर को थैंक्स बोलते हो कि एक और नई खूबसूरत सुबह देने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह मकसद आया कि मैं जिंदा रहने के लायक हूं कि नहीं, वो साबित करूं? Yes. देखो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना ये समझ में आता है। एक बार ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो सकता है डबल वेलचर होकर खड़ा हो क्योंकि बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन इस हॉल में आने के बाद, सुरेखा मैम को सुनने के बाद, अगर आप फिर भगवान के पास जाओगे आपको कहीं करो नहीं। मतलब भगवान जो है ना इतना गुस्से में रहेगा ना, जब तेरी बारी आए तो ऊपर आप फिर तुझे बता दो वैसे बात। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलना ये नसीब होता है, अपॉर्चुनिटी को खेलना जीतना इसमें नसीब काम नहीं करता, उसमें सिर्फ एक्शन काम करता है। ये आपकी सक्सेस डिसाइड करता है, भविष्य का आविष्कार नहीं होता। आप जो रोज करते हो उसी से भविष्य बनता है, आया ना? तो आज के बाद रोज शाम एक बार आईने के सामने खड़े रहना, सपने चिपका के रखना, आजू बाजू में गाड़ी घर जो चाहिए वो, और देख के बोलना कि आज का दिन चला गया अल्पेश, आज का दिन चला गया। इस सपनों के लिए तुमने कौन सा एक्शन लिया अपने आप से ईमानदारी के साथ बता दे। अगर एक्शन लिए है, अगर एक्शन आज लिया है तो रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, लेकिन एक्शन आज लिया है 5 साल के बाद दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को पूरे करने से नहीं रोक सकती। मैं हमेशा कहता हूं हम इंसान हैं, इंसान की ताकत को पहचानिए। आज भी मोदी करके प्रोडक्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स है मुझे नहीं पता, उसके क्या फायदे साथ पूरी तरह मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान की क्या ताकत होती है सार में जान पाया मुझे। आपके अंदर क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप कर सकते हो। एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक आग चाहिए, एक नहीं हारने की हिम्मत चाहिए, और अपनी आलस्य को भगा दो। क्योंकि जो इंसान आलसी होते हैं ना उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, आया ना? अपने आप को गोली मारते हैं। आलस्य हटाइए, शर्म हटाइए। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक है, उसका काम है एक्टर बनना, हीरो बनना। वो नवरत्न स्केल बेचता है, वो कैची लेके नाई बनता है गंजी बनियान बेचने के लिए, है ना? उसे बेचारा टॉयलेट धो रहा था अर्पिक से, अक्षय कुमार ने बोला भाग मुझे पैसे चाहिए, वो धो रहा है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को टॉयलेट की एक करने में शर्म नहीं आती, गंदे संदाज में जाते और साफ करके देते, क्यों? बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो हम तो आपको सूट पहनने के लिए मना नहीं कर रहे, चाहिए अगर अप्लाई डेमो करेगा, अप्लाई प्रेजेंटेशन करेगा, यकीन मानिए सपने अप्लाई में पूरे होंगे। और अगर मैं और आप खुद करेंगे तो सपने हमारे पूरे होंगे। तो भैया ह्यूमन, हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमने जेट प्लेन डिजाइन किया जिसकी स्पीड होती है 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए, हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा नहीं है किसी को एक पंजा मारे और ढेर कर दे। हमने गोली बनाई है, उसी शेर को हम 10 किलोमीटर दूर से भी ढेर कर सकते हैं। उस इंसान का बच्चा होके अगर तू ये बोलता है ट्राई करता हूं अगर होता है, इससे बड़ी गाली हमारे माँ बाप और हमारे इंसान प्रजाति के ऊपर आपकी कोई नहीं सकती।